दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि तीन कमरे, एक हॉल और एक किचन की बिना नक्शे के कैसे पाइपिंग की जाती है छत पे। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम आज। दोस्तों ये पाइपिंग की हुई हमने, ये हमारा एक कमरा है जिसमें हमने बीच में ये फैन बॉक्स, कमरे के सेंटर में ये फैन बॉक्स लगाया हुआ है। ये जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये फैन बॉक्स लगाया हुआ है। इस फैन बॉक्स से हमने कमरे के चारों कोनों में डीप जंक्शन बॉक्स लगाए हुए हैं। ये डीप जंक्शन बॉक्स है और यहाँ से हमने एक आगे की तरफ पाइप लिया हुआ है जिसको ऐसे ही छोड़ रखा है। ये अपने जंक्शन की सपोर्ट के लिए है ताकि जंक्शन स्लैब डलते समय निकले नहीं। इसके चारों तरफ हमने डीप जंक्शन लगाए हुए हैं और कमरे के अपन ने इस साइड ये लगाया हुआ है, पाइप लगाया हुआ है चारों साइड में डाउन। इधर से एक पाइप लिया और ये यहाँ ड्रॉप किया हुआ है जो ये दीवार के अंदर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों दूसरा ये है हमारा दूसरा कमरा जिसमें हमने चार जंक्शन नहीं, दो जंक्शन ही लगाए हैं बीच में, जो कि दीवार से 2 फीट की दूरी पे है। तो एक जंक्शन ये है और तीन साइड से हमने इसको दीवार पे कनेक्शन ड्रॉप करे हैं इसके। और यहाँ से हमारा एक पाइप जा रहा है जो आप देख पा रहे हैं, ये इधर जो एक छोटा सा स्टोर है उसके अंदर जो अपना जंक्शन लग रहा है, इस जंक्शन से होके एक बाहर की तरफ जेबी जा रही है। जंक्शन जिसे हम जेबी भी बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स को शॉर्ट में हम जेबी बोल सकते हैं। इधर से इस जेबी से पाइप होता हुआ हमारी इधर रोज गैलरी के अंदर आ रहा है जंक्शन में। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि जंक्शन के किसी भी एक साइड में छोटा सा पाइप का सपोर्ट जरूर बांधे, क्योंकि स्लैब डालते समय सरिये हिलते हैं, चलते हैं, लेबर चलती है तो जंक्शन निकल जाता है। तो ये बांधने से जंक्शन थोड़ा मजबूत हो जाएगा और निकलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों ये है। फिर अपन बात करते हैं इन दोनों कमरों की टीवी के बारे में, ये एलईडी का पॉइंट हमने कहाँ दिया है। तो दोस्तों दोनों कमरों की टीवी हमने इस दीवार पे दी है। तो दोस्तों ये देखिएगा आप, इस कमरे से ये अपना एक सप्लाई का पाइप ड्रॉप हो रहा है और इस कमरे से ये सप्लाई का पाइप हमारे इधर ड्रॉप हो रहा है और ये अपना टीवी का पाइप है जो ये दोनों के बीच में ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि दोस्तों दीवार एक ही है इसलिए हमने टीवी का पाइप एक ही डाला है, नीचे सोख है दोनों बॉक्स में चला जाएगा ये, और इस पाइप को इधर लाते हुए हमने यहाँ खड़ा कर दिया है या दीवार के पास में, या दीवार बनेगी तब ये दीवार के अंदर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ दो पाइप आ रहे, एक पाइप अपने हॉल है, हॉल के अंदर से आ रहा है ये टीवी का पाइप दोस्तों। और इसी के अंदर से जेबी के अंदर से होके हमारा सर्किट जा रहा है जो एनसी बॉक्स की तरफ जा रहा है, जो हमारा मेन सर्किट का पाइप है ये। दोस्तों यहाँ पे 5 पाइप आ रहे हैं और 2 पाइप हमने ऊपर खड़े किए हुए हैं, बाहर ऊपर लिफ्ट है यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, लिफ्ट की सप्लाई के लिए जो हमको ऊपर देनी पड़ेगी इसके लिए। और ये सारे सर्किट एक ही जगह आ रहे हैं जिसे देख पा रहे हैं, ये हॉल का सर्किट जा रहा है ये देखो दोस्तों ये आ गया सर्किट अपना हॉल के अंदर। सभी फैन बॉक्स के जहाँ तक हो सके वहाँ तक सेफ सर्किट डाले, इससे वायरिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है, इधर उधर थोड़ा वायरिंग कम लगती है सेफ सर्किट होने से। ये हमारा हॉल है दोस्तों दोस्तों आ जाते हैं हम तो एक कमरा और है अपना, इसमें ये इसमें हमको टीवी के पाइप को दूर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी इसी दीवार पे टीवी आ रहा है, इसलिए हमने यही खड़ा कर दिया है इसको। ये नीचे से फिर बॉक्स के पास चला जाएगा। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे फैन बॉक्स में जगह नहीं होने के कारण हमने इस जंक्शन से
इस जंक्शन में कनेक्शन दिया है डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इस जंक्शन के लिए एक्स्ट्रा पाइप लगाने के लिए फैन बॉक्स में जगह नहीं थी, इसलिए हमने जंक्शन से जंक्शन मिला दिया इसको पाइप को घुमा के दोस्तों। और एक पाइप हमने इधर लगाया है रोज पे, देख पा रहे दोस्तों, हमने रोज पे 3 GB लगाई है, ये आप देख पा रहे होंगे 3 GB लगाई है जी दोस्तों। और दोस्तों फिर आ जाते हैं हम किचन की तरफ, ये हमारा किचन है, ये किचन है, इसमें हम इस दीवार पे एक ये पाइप ड्रॉप करा हुआ है और एक इधर पाइप ड्रॉप कर रखा है हमने बीम के अंदर, स्लैब बीम के अंदर, और एक पाइप इस साइड में जो स्टैंड पट्टी बनेगी वहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है, जो बाद में पावर ओवन के लिए पावर हवा देने के लिए काम आएगा। दूसरा दोस्तों ये सर्किट का पाइप है जो हमारे बीमने से होते हुए हमारे उधर एमसी बॉक्स के पास जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ये उधर जा रहा है बीमने होते हुए ये यहाँ आ रहा है। दोस्तों इधर से हमको जगह नहीं मिल रही थी इसलिए हमने उसको बीमने से ले लिया है। किचन के बाहर रोस पर जिसे हम छज्जा बोलते हैं वहाँ पर भी हमारी 2 GB लगी हुई है, और दोनों 2 GB को हमने आपस में मिलाया हुआ है, दोनों का सेफ पाइप डाला हुआ है, आपस में इसलिए मिलाया है दोस्तों कि बाई चांस कभी किसी कारणवश एक पाइप निकल जाए या टूट जाए फूट जाए तो हमको वायरिंग डालने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों ये हमारी गैलरी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये गैलरी है, इसमें 3 JB लगी हुई है ये, और इस 2 JB से हमने यहाँ से दीवार में एक पाइप ड्रॉप कर दिया है जिससे ये सारी लाइटें गैलरी के यहाँ से चल जाएगी। तो दोस्तों बात आती है 2A की, तो दोस्तों 2A का बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 2A का पाइप कैसे डालें, कैसे इसकी वायरिंग होगी, तो दोस्तों हमेशा अच्छा चलते हैं, एक पाइप ऊपर की ओर 2A का रहता है, दूसरा मुंह उसका नीचे की ओर रहता है। तो दोस्तों हमने कि 2A लिया है, यह हमारा ऊपर की तरफ का पाइप का मुंह है जो बीम में से होते हुए दोस्तों यहाँ बेंड में होके यहाँ से ये होते हुए यह 2 JB में आ रहा है, 2 JB में आने के बाद ये हमारा MC बॉक्स में होते हुए नीचे जा रहा है, तो ये MC बॉक्स के नीचे ही हमारा 2A का बॉक्स लगेगा, तो इधर से ऑन होके सीढ़ियों से ऊपर आते हुए यहाँ से ऑफ हो जाएगा, और इसको ज़्यादा घुमाने, ज़्यादा पाइप नहीं घूम रहा है, घुमाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और इजी वैसे हो जाए, और डायरेक्ट इसको MC बॉक्स में ही उतारा है क्योंकि इसको सप्लाई लेने की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट MC बॉक्स ही अपन ले लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे 3 कमरे एक हॉल और एक किचन की पाइपिंग जो बिना नक्शे से हमने करी है। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।